हेलो बच्चों तो क्वेश्चन नंबर पेपर वन में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन स्टार्ट करते हैं आरबीडी पर बेस्ड ये एक मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसमें एक सिलेंडर है पर ये नहीं बताया गया कि हॉलो है या सॉलिड है इसके बारे में ऑप्शंस में गिवन है सेंटर <coughs> पे फोर्स एफ लगाते हैं और डिफरेंट ऑप्शन है सेंटर ऑफ मास्क के एक्सलेशन से रिलेटेड या फ्रिक्शन से रिलेटेड तो इसमें बेसिकली <coughs> अगर हम इसका एफ बी मान लेते हैं कि इस पर स्टेटिक फ्रिक्शन एफ पीछे लगता है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन ए मान लेते हैं

मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय आर स्क्त प्लस एम नाउ ऑप्शन की तरफ आते हैं जैसे ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि सिलेंडर हॉलो है या सॉलिड है तो साफ नजर आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड कर रहा है अब हलो होगा तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सॉलिड होगा तो एम आर स्क्वायर बाय टू आएगा इट मीनस ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मैग्निट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑलवेज म्यू एम जी तो हम इन इक्वेश को सोल्व करके फ्रिक्शन फोर्स की अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी फ्रिक्शन फोर्स की वो आता है फ्रिक्शन इक्वल्स टू कैपिटल एफ अपॉन वन प्लस एम आर स्क्वायर ठीक है तो यहां पे दि, क्लियर दिख रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा म्यू एमजी के बराबर नहीं होगा वो कैपिटल एफ की वैल्यूज पर भी डिपेंड करेगा इट मीन जो इसका बी ऑप्शन था वो भी इनकरेक्ट है सी में लिखा हुआ है एक्सिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एफ बाई टू एम फॉर एन वोल्ट सिलेंडर वॉल्ड सिलेंडर का मीनिंग हो गया होलो सिलेंडर तो यहां से अगर हम होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ ऑफ इनर्शिया रखते हैं तो हमारे पास सेंटर एक्सिलेशन एफ बाई टू एम आएगा इट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट डी में लिखा है मैक्सिमम एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज टू म्यू जी इसमें थोड़ा सा यह है डाउटफुल सा लैंग्वेज टाइप कि अगर होलो सिलेंडर है तो उसके लिए आप मैक्सिमम एक्सेलेशन निकाल के देख लीजिए सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए मैक्सिमम एक्सलेशन निकाल के देखेंगे उनमें जो ओवरऑल मैक्सिमम आएगा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऑप्शन टिक करना चाहिए तो जैसा कि हमने यहां पर देखा कैपिटल एफ की मैक्स वैल्यू तब आएगी जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू पुट करके आप कैपिटल एफ की मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे कैपिटल एफ की मैक्स वैल्यू आने के बाद आप यहां से एक्सिलेशन की मैक्स वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आप निकाल के देखेंगे तो वो टू जी आता है और हॉलो के लिए म्यू जी आता है तो ओवरऑल जो एक्सलेशन की मैक्स वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टू तो मुझे लगता है कि इसमें सी एंड डी दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए थोड़ा सा एक बेसिक कैलकुलेशन मान सकते हैं क्वेश्चन है बहुत टफ भी नहीं है बहुत ईजी भी नहीं है तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ये भी आरबीडी पर बेस्ड और इजी टू तो मॉडरेट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रख सकते हैं इसमें जैसा दिखाया गया एक रॉड जिसका मास कैपिटल एम लेंथ ए और थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पे एक हमने डिस्क लगा रखी है जिसके मास और डायमेंशन सब गिवन है वो डिस्क इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली फोर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है और साथ साथ इस रॉड के साथ भी अटेस्ड है एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में फोर ओमेगा और अगर हम डिस्क के सारे मास को या पॉइंट मास की तरह ट्रीट करें तो पॉइंट मास इस एक्सिस के अबाउट साथ साथ ओमेगा से भी रिवॉल्व कर रहा है पूछा है एंगुलर मोमेंटम हमको सिस्टम का बताना है इस एक्सिस ओ ओ डैश के अबाउट। तो क्या करेंगे एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए टुकड़ों में लिखेंगे जैसे रॉड का एंगुलर मोमेंटम मैं लिखूंगा मोमेंट बाय थ्री इंटू ओमेगा इस एक्सिस प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए हम पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इस वाली एक्सिस के अबाउट लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट के बोल सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डिस्क का मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय टू इंटू ओमेगा प्लस अब ऐसा सोचेंगे कि डिस्क का सारा मास पॉइंट मास की तरह यहां रखा हुआ है वो पॉइंट मास इस के अबाउट इस तरह से रोटेट हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो उस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम मैं लिखूंगा मास इंटू उसकी लीनियर वेलोसिटी दैट इज ये वाला ओमेगा इंटू डिस्टेंस थ्री ए बायोर ओमेगा इंटू थ्री ए बायर ये मैंने एम भी लिखा है पॉइंट मास का जैसे लिखते हैं और आर <coughs> परपेंडिकुलर हो जाएगा थ्री ए बायर इनको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फोर्टी नाइन बाय फोर्टी एट टाइम्स एम ए स्क्वायर ओमेगा और क्वेश्चन है पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है रिजल्ट आ जाएगा फोर्टी नाइन तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट टाइप का इजिली करने लायक सवाल था स्कोरिंग क्वेश्चन है ये